अगर तुम्हें पता है कि भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जो मेरे हाफ ईयरली में आने वाले हैं वो मुझे नहीं आते हैं, मुझे अच्छे से नहीं आते हैं, मेरे को नहीं आते हैं वाले चैप्टर, तो नहीं आते हैं, तो अब उन्हें कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करना है? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं सारे मेरे भाई बहन? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपने अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। जैसे कि आप लोगों ने मुझे रिसेंट वीडियो में बताया था कि सारे मेरे भाई बहनों के हाफ ईयरली के एग्जाम सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रहे हैं, कईयों के सेप्टेम्बर मिड में है, कईयों के सेप्टेम्बर एंड में है। तो जो है रिसेंटली मैंने देखा कि तुम लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे बहुत सारे भाई बहन फॉर्म में आ चुके हैं और पढ़ना शुरू कर दिया। देखो हमारा एक्चुअली ऐसा ही होता है हमारे साथ में, क्या होता है कि जब हमारे को कोई चैलेंज मिलता है ना, हाँ पता चला भाई एग्जाम आया, तब हम अपना प्रो मोड ऑन कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने हाफ ईयरली के लिए अब अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया है, एंड अगर जिन्होंने नहीं करा था तो गाइज तुम लोग भी जल्दी से फॉर्म में आ जाओ और प्रो लेवल वाली पढ़ाई जो है अब शुरू करनी है हम सबको, ठीक है? तो जो पढ़ रहे थे अच्छे तरीके से, जिन्होंने बढ़िया तरीके से हाफ ईयरली की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, तो वो भी मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। हमारा चैलेंज भी चल रहा है, उसको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, और जो बच्चे जो है जिनकी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं करी थी, तो गाइज ये है आपका टाइम, आप लोग भी अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो। बाकी सब बातों को ना अभी थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ, ठीक है? जब तक ये हाफ ईयरली के एग्जाम की डेट शीट आ गई है ना, जब तक जितने दिन एग्जाम चले, कोई भी बात जो तुम्हें ना ऐसे तंग कर रही थी कि और तुम्हें जो है डिस्टर्ब कर रही थी और वो तुम्हें जो है प्रिपरेशन करवाने के लिए वो तुम्हारा वहां स्टडी टेबल है, तुम नहीं जा रहे हो, वहां बैठे भी हो तो ध्यान नहीं लगा पा रहे पढ़ाई में, जो भी कोई वो बात थी वो सबको निकाल दो। बहुत सारी बातें आती रहती है, अरे यार इस दिन पे चले दोस्त के साथ ये वाली बात हो गई थी, यार कल तो मुझे घर में बात करनी है, मुझे नया वाला मोबाइल फोन लेना है, या कोई किसी फ्रेंड को रिप्लाई करना है, यार उसका इतने दिनों से रिप्लाई नहीं आया, मुझे रिप्लाई करना है, उसके बर्थडे में जाना है, ये वो, इतनी सारी बातें सबको अभी भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए। अभी क्या करना है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है। कोई भी बात, बहुत सारी आती हैं, कोई भी बात है सबको भूल जाओ, तुम्हें जाना है अपने जोन में, बढ़िया तरीके से हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करो। और जो है क्यों है इतना इंपॉर्टेंट आप लोग लिए हाफ ईयरली, क्या गाइस एग्जाम है हमारे, क्यों है इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली के लिए प्रिपरेशन करना, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर करना, देखो अगर आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें खुद से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है अपनी जर्नी को अच्छा बनाने में, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने में। इफ़ यू वॉन्ट कि अच्छे तरीके से मैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी जो है परफॉर्म करूँ, तो जब हाफ ईयरली अच्छा दोगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे को, और ये कॉन्फिडेंस आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो क्यों कर रहे हैं हम हाफ ईयरली एग्जाम की इतनी अच्छी प्रिपरेशन? कई बच्चे सोचेंगे बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन हम अच्छा क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और जब एग्जाम में अच्छे अच्छे आंसर हम लिख के आए होंगे, जब आप आंसर शीट पे आंसर फिल करके आए हो तो तुम्हें पता है हाँ मैं अपना आंसर लिख कर आया हूँ एग्जाम में, हाँ मैं आंसर लिख के आई हूँ, हाँ मैंने इतना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था, हाँ इतनी मेरी गलती थी, तुम्हें अपनी गलती भी पता चल जाएगी। कोई अगर आंसर आप गलत लिख कर आए हो तो तुम्हें पता होगा हाँ ये मैंने गलत करा है, यार ये वाले चैप्टर की ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आपको क्लियर होगा कि ठीक है फाइनल्स में इस चैप्टर को अच्छे से मुझे रिवाइज करना है, अगर पढ़ोगे ही नहीं सारे ऐसे ही छोड़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है? समझ गए? इसलिए हाफ ईयरली एग्जाम किसके लिए देने, आपको हाफ ईयरली एग्जाम को अच्छे से पढ़ाई किसके लिए करनी है, अपने खुद के लिए करनी है, अपने बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपने जो गोल सेट करा है उस गोल तक पहुंचने के लिए करनी है, और उस गोल तक कॉन्फिडेंस से और बिल्कुल प्रो मोड में पहुंचने के लिए आपको हाफ ईयरली में अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है? तो ये माइंड सेट बनाइए, इसलिए हम हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा आधा सिलेबस हमारे को बिल्कुल ही पूरा हो जाए कि हाँ ये मुझे आता है, जो नहीं आता होगा वो आपको एग्जाम्स के बाद पता चल जाएगा हाँ यहाँ या मुझे चीज़ें नहीं आती है तो इन सबको मुझे कवर करना है, और आधी बैटल आप लोगों की फिर कंप्लीट हो जाएगी अगर आप हाफ ईयरली का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए सारे मेरे भाई बहनों की, ठीक है? अब बात करते हैं कैसे करनी है ये हाफ ईयरली एग्जाम की बेहतरीन तैयारी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, अभी सारी चीज़ें भूल जाओ, अभी क्या करना है, सबसे पहले डेट शीट देखो अपनी, कब से आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? कौन से डे पे आपके कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है। सबसे पहले जैसे हम बोर्ड एग्जाम की डेट शीट बना लेते हैं, एक पेपर पे छोटे से पेपर पे हाफ ईयरली की भी डेट शीट लिख लो, ठीक है? इस दिन पे ये एग्जाम है, इस दिन पे ये एग्जाम है, इस दिन पे ये एग्जाम है, एंड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज, कितने डेज आपको कौन से एग्जाम के लिए मिल रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर वन स्टेप्स लिख लेते हैं हम कैसे करनी है आपने। और अगर कोई नाइन्थ एंड इलेवंथ का स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहा है तो गाइस आपको भी अपने हाफ ईयरली के लिए ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या हुई, चेकआउट योर डेट शीट। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपने एग्जाम्स की डेट शीट बता भी दी थी कि इस डेट से इस डेट पर हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, आप देख लो कौन से डेट पर, अगर मिल गई है डेट शीट तो ठीक है, नहीं तो एक दो दिनों में मिल जाएगी आपको जब से आपके एग्जाम होने होंगे। तो सबसे पहले डेट शीट एक पेपर पर लिख लेना, ठीक है? अच्छे तरीके से डेट शीट पेपर पर लिख लेना। उसके बाद सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, जितने भी सब्जेक्ट्स जो भी एग्जाम है आपका जो भी, तो उन सब्जेक्ट्स में जो जो चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आने हैं वो लिखो, ठीक है? हाफ ईयरली में फुल सिलेबस तो नहीं आता है ना,
थोड़े थोड़े चैप्टर आते हैं, जो भी चैप्टर आते हैं, जो भी चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं उन्हें लिख लो। जी इंग्लिश में मेरा ये 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, हिंदी में मेरे ये 5 चैप्टर्स आने हैं, पूरे चैप्टर्स आप अपने लिख लो, हाफ ईयरली एग्जाम में इतने 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 चैप्टर आने हैं, डेट शीट में देख लेना किस जो है सब्जेक्ट के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, और उन चैप्टर्स को तुम्हें जो है 100% लेवल तक कंप्लीट करना है। 100% लेवल तक अब तुम्हें उन चैप्टर्स को लेके जाना है। उससे पहले वाले चैप्टर्स भूल जाओ, उससे आगे वाले चैप्टर्स भूल जाओ, जो हाफ ईयरली का मेन कोर सिलेबस है उसके जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उनको तुम्हें 100% लेवल तक कंप्लीट करना है खुद से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, डेट शीट देख लो अपनी। सेकेंड स्टेप क्या है, अपने सब्जेक्ट का सिलेबस लिखो। जैसे एक स्टडी जीपीएस आपने फाइनल तक का बना रखा है और उसमें आप जो है ऐसे राइट लगाते हो जब सिलेबस कंप्लीट होता है, हाफ ईयरली का एक जगह पे लिख लो सिंपल और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उनको 100% लेवल तक कंप्लीट करना है। अब ये हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको हाफ ईयरली वाले चैप्टर 100% आते हों, आपकी प्रिपरेशन हो हाफ ईयरली का ये चैप्टर, दीदी ये तो आता है, कोल्ड वॉर आ रहा है, लास्ट लेसन आ रहा है, या फिर लेटर टू गॉड आ रहा है, नैशनलिज्म इन यूरोप आ रहा है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, अब रिवीजन करेंगे हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, आपने बढ़िया तैयारी करी है अपनी और जो है आप अपना रिवीजन करिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए एंड यू आर रेडी फॉर योर हाफ ईयरलीज। बट कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा इन चैप्टर्स को, तो कोई बात नहीं, हम अभी कर लेंगे ना, है तो अभी हमारे पास टाइम, डेट शीट आ गई है, हमारे पे टाइम है, जितना टाइम है उतने टाइम में प्रो लेवल पे प्रिपरेशन करके अपना ये है हमारे में फीचर ये वाला जल्दी से बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाला, तो बढ़िया तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। तो जिनका नहीं था प्रिपेयर उन्हें भी नहीं डरना है, जिनका था 100% लेवल पे ये चैप्टर कंप्लीट तो रिवीजन करना, जिनका नहीं है तो उन्हें बता रही हूँ क्या करना है तुम्हें। अब पहले तो टाइम देख लेना कितना टाइम पीरियड है आपके पास में, बहुत सारा है तो बढ़िया तरीके से वीडियो देखेंगे, रीडिंग भी करेंगे और वो जो लॉन्ग वाला मेथड है उससे। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो भी बता रही हूँ शॉर्ट मेथड और सबसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करने का क्या करना है आपको। जितने भी चैप्टर्स आपके इसकी सबसे पहले क्या देखो, वीडियोज़ देख लो, वीडियोस देख के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। वीडियो की थोड़ी स्पीड तेज कर सकते हो, स्पीड तेज नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, आपको वीडियो देख के चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाए, अच्छा कॉन्सेप्ट ये है चैप्टर का, ऐसा हो रहा है, ठीक है। एसएसटी का कोई चैप्टर, अच्छा इसमें ये हो रहा है, साइंस का कोई चैप्टर है, इंग्लिश का कोई चैप्टर है, हिंदी का कोई चैप्टर है, आप उनकी वीडियोज़ देखो और टीचर्स से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि एटलीस्ट जब एग्जाम हो तो आपको पता हो हाँ मेरे चैप्टर में ये हुआ है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब वीडियो देख रहे होगे तो सामने अपने नोटबुक रखना, ठीक है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको वहाँ लग रहा है लिखना शुरू कर देना उसको। मैंने अगर अपनी वीडियो में कोई वर्ड मार्कर बताया उसे लिख लेना, ठीक है। आपको किसी और टीचर से आप वीडियो देख रहे हो उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट चीज मार्क करवाई उसे कॉपी में लिख लेना, तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ में। ऐसे ब्लैंक होकर वीडियो मत देखना, छोटे छोटे अपने अपने नोट्स बनाने शुरू कर देना, जो जैसे डिजिटल बोर्ड पर आपको लग रहा है ये इसकी डेफिनेशन लिखी है ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, कॉपी लेके बैठना, एक्टिवली बैठ के पढ़ाई करनी है आपने, चैप्टर के अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, जिस दिन एग्जाम को एक दिन पहले सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज मार लेना, ठीक है। तो चैप्टर की वीडियोज देखो जल्दी से, 5 चैप्टर आने हर सब्जेक्ट के, 3 चैप्टर आ रहे, 6 चैप्टर जितने भी आ रहे सबकी वीडियोस देख के जो है जल्दी जल्दी उनको कंप्लीट करो, ठीक है। वीडियो देखनी है आपको, सबसे पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है। अब जब आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर गाइज हमें करनी है क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, हमें क्वेश्चन आंसर्स बना के लिखने होंगे अपने पास से। बना के कब लिखोगे, जब कॉन्सेप्ट आता होगा और थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस करोगी, तो प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो देख सकते हो, और अभी 1 से 2 दिनों के अंदर मैं आप लोगों के लिए हाफ ईयरली की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लॉन्च कर दूंगी, जहां हम इंग्लिश के, एसएसटी के और के साथ में साइंस के भी एंड 12th स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, इंग्लिश के और जितने भी सब्जेक्ट्स में आपको कवर करवा दूं, मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अपलोड कर दूंगी। उसमें मेरा मेजर फोकस रहेगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग कर लेंगे तो आप जो है वन मार्कर्स भी सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लॉन्च करूंगी जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर रहे होंगे हर चैप्टर के, क्योंकि ज्यादा चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं तो उन चैप्टर्स को मैं दोबारा नहीं पढ़ा रही हूं, मैं उनके क्वेश्चन आंसर सीरीज अपलोड कर दूंगी कि चैप्टर तुमने वीडियो से पढ़ लिया और उसके बाद तुमने क्वेश्चन आंसर्स परफॉर्म कर लिया, कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आ रहे समझ जाना वहां पे कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ है तो वो अलग वाला टॉपिक दोबारा पढ़ लेना। अगर कोई एक क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया, यार ये वाला तो मुझे बनाना ही नहीं आ रहा, इसको तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, मुझे यार कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, यार रट्टा मारने का मतलब क्या कि आप कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो वो जो क्वेश्चन अगर आपको जो लग रहा है ये नहीं आता मेरे को, उसका टॉपिक सीधा वीडियो पे उस वाले टॉपिक पे जम करना, वो वाला टॉपिक समझ लेना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जल्दी अपनी जो है नोटबुक्स लेकर आओ, सबसे पहला स्टेप। अगर डेट शीट नहीं मिली ना, कुछ बच्चे होंगे शायद जिन्हें डेट शीट नहीं मिली कौन से डे पे कौन सा एग्जाम है, तो भी कोई बात नहीं, जल्दी से नोटबुक लेकर आओ, ठीक है, ग्रैबर नोटबुक और उसमें सबसे पहले लिखो आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, और जो है वो चैप्टर्स की वीडियोस देख के आता था पहले से जिसको आता था, तो रिवीजन जिसको करना तुम भी वीडियोस दोबारा देख लो, ठीक है, सबकी वीडियोस दोबारा से देख लो, स्पीड तेज करनी है करो, नहीं करनी मत करो, ठीक है, बट वीडियोस देख लो, ये मत सोचना कितना टाइम लगा, बढ़िया तरीके से वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट को फिर से अपने दिमाग में जो है रिवाइज करा लेना है आपको। जिनको नहीं आता तो तुम बड़े ध्यान से देखना, कॉपी लेके बैठना, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते रहना।
आंखें वहां रखना जहां पे आपको टीचर समझा रहे हैं, पीछे बोर्ड पे जो लिखा होता है तुम उसमें से खुद ढूंढना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, उसको लिखते रहना साथ साथ में। इतनी रिटन प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी उससे, उसे तुम एग्जाम टाइम में जब आंसर लिख रहे होगे कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर लिख पाओगे। कई बार हम लिखने की बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करते तो अब हमारे पे इतना टाइम नहीं होगा, हम लॉन्ग फॉर्म में नोट्स बनाएंगे तो हम जो है एक्टिवली स्टडी करते हुए अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं सीरीज लॉन्च कर ही रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स की। बाकी आपके पास कोई रिफ्रेशर होगी, आपके पास कोई गाइड होगी, वहां से आप थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। अब जल्दी जल्दी कब कर पाओगे, जब आपने जो इधर उधर की बातें अपने दिमाग में से निकाल दूंगी, वो तो मैंने आपको कह दिया ना, कुछ मत सोचो, कुछ नहीं सोचना। अभी थोड़े दिन भैया पढ़ाई करनी है हमें हवेली के लिए, क्या चल रहा है आजकल, आजकल हवेली की प्रिपरेशन चल रही है। क्यों भैया हवेली में क्यों पढ़ो तुम लोग इतने अच्छे से, हवेली के लिए हम अपने लिए पढ़े अच्छे से कि हवेली एग्जाम में बढ़िया पढ़ाई हो रखी होगी हमारी, तो भैया आधा सिलेबस कंप्लीट हवेली में पढ़ने का फायदा, हवेली की पढ़ाई हो गई आधा सिलेबस कंप्लीट हमारा, आधे सिलेबस का हमने समझ लो कि एक सैंपल पेपर दे दिया, जैसे बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम से पहले सैंपल पेपर सॉल्व करते ना, वैसे ही आप सोचो कि आप जो है स्कूल में बैठ के अपना पूरा एक सैंपल पेपर सॉल्व करोगे और तुम्हें वो चेक हो भी मिलेगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको जो है पता चल जाएगा अरे वाला क्वेश्चन मेरा गलत था, ये वाले चैप्टर में कुछ कमी रह गई, कोई नहीं फाइनल्स हैं अभी बहुत समय है उससे पहले रिवाइज कर लेंगे, ये चैप्टर इसमें मैंने मार्क्स कटे थे तुझे तो प्रोफॉर्म में कंप्लीट करना है मैंने, तो भाई हाफ ईयरली के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर दो। जिन्होंने कर दी थी पहले से, क्योंकि अभी मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 5 डेज रूल बताया था, 15-16 अगस्त को जो मैंने 17 अगस्त को वो वीडियो डाली थी और मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है 5-5 डेज रूल के हिसाब से अपना चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अब आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि ठीक है भैया जिन बच्चों ने वो 15 दिन चैलेंज से 5 डेज रूल से पढ़ना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने रिस्पॉन्स देखा आप लोगों का, और अब जो बच्चे नहीं पढ़े थे अभी तक, ठीक है, और जिन बच्चों की हाफ ईयरली की डेटशीट अब आई है, पहले नहीं आई थी, तो तुम लोग भी जो है अब स्टार्ट कर दो अपनी हाफ ईयरली की बेहतरीन सी प्रिपरेशन, ठीक है। और अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, और अब क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं। बेस्ट ऑफ लक, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।